हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से यार आज जो मैं वीडियो लाया हूँ उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी आईटी कंपनी या फिर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी की तैयारी कर रहे हैं एज ए फ्रेशर तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना पड़ेगा। चाहे आप BCA कर रहे हो, चाहे आप BTEC कर रहे हो, चाहे आप MCA कर रहे हो या फिर IT से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो चलिए उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है इंडिया की जितनी भी टॉप कंपनीज है जिसमें जाना स्टूडेंट्स का एक सपना होता है वो सभी कंपनी क्या कर रही है, आजकल ऑनलाइन टेस्ट ले रही है। और उस ऑनलाइन टेस्ट की ये खासियत है कि उसमें कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, चाहे आप किसी भी कॉलेज के हो, चाहे आप IIT से हो, चाहे आप NIT से हो, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से हो, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से हो, मतलब सभी को बराबर मौका दिया जाता है। मतलब अगर सपोज डेट आप नॉर्मल कॉलेज से भी पढ़ रहे हैं और आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर नॉलेज है, तो आप इन कंपनी में आराम से जॉब पा सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके बाद कुछ इंटरव्यू होते हैं, मतलब कुछ राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के, और फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। और यहाँ पर देखा गया है कि इस तरह के जो ड्राइव होते हैं इसका फायदा बहुत सारे बच्चे उठाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कैसे करें जिससे कि आप इन कंपनी में आराम से जॉब पा सकते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, अप्लाई तो कर देते हैं पर बिल्कुल तैयारी नहीं करते हैं या लास्ट मोमेंट में तैयारी करते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से ही लग जाना है और आपके माइंड में होना चाहिए कि इस तरह का अगर ड्राइव आएगा, इस तरह के जॉब आएंगे तो मैं अप्लाई करूंगा और मेरा होना जरूरी है, ये आपको माइंड में रखना है। और बहुत सारे बच्चे इस तरह के सोच लेके चलते हैं और वो डेफिनेटली जो है सक्सेस होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है इन कंपनीज में आते हैं। मैं यहाँ पर एज ए जनरल बता रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का नहीं बता रहा हूँ, जिससे कि आप सभी की तैयारी कर सकें और आप अपने मन चाहे कंपनी में जॉब पा सकें। तो यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों में ये भी कंफ्यूजन रहता है, उनको लास्ट तक नहीं पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप आज जान लो और इस तरह के तैयारी में लग जाओ। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो टेस्ट होते हैं या जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं इसकी तैयारी काफी टफ नहीं होती है, बहुत आसान होता है। आप थोड़ा बहुत भी सीरियस रहेंगे तो आराम से आप क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें टाइप ऑफ क्वेश्चन के, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं और वो कंपनी टू कंपनी वेरी भी करता है, पर मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है कि इस तरह के ही क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। जैसे है पहला वर्बल एबिलिटी, देन रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, तो इसके लिए आप जनरल जो है बैंक PO या SSC का बुक लेके आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है अलग से, और ना ही इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस होता है। तो आप क्या करें कि बैंक PO या SSC के जो बुक्स आते हैं वर्बल एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी के, उनको आप लें और उसे पढ़ते रहें, मतलब प्रैक्टिस में रखें। ऐसा नहीं कि एग्जाम के टाइम ही आप बैठ रहे हैं और फिर पता चला आपको आता है फिर भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सॉल्व कर भी ले रहे हैं तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, आप सारे क्वेश्चन कवर नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि क्वेश्चन काफी इजी आता है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। आप नॉर्मल तरीके से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आराम से जो है इन दो सेक्शन के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैथमेटिकल एबिलिटी। मैथमेटिकल एबिलिटी में क्या होता है कि आपके 10th क्लास तक के जो मैथ्स के कंसेप्ट है उसके ऊपर से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मतलब एक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स आपके होने चाहिए। यहाँ पर 11th-12th के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मैं आपको पहले ही बता दूं। 10th तक का जो हम लोग का सिलेबस था या हम लोगों ने 10th क्लास तक जो भी मैथमेटिक्स पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, मतलब बेसिक कंसेप्ट,
ठीक है, मतलब बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के ऊपर होता है। अगर आपका लॉजिक सही है और आप सही तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं, आपका कैलकुलेशन अच्छा है, तो आराम से जो है आप ये एरिया को भी कवर कर लेंगे। इसके लिए भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी बुक को आप ले सकते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर मैथमेटिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस, और अगर आपको नेट में इस तरह के क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो उसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आप ये नहीं देखिएगा कि वो उस कंपनी का क्वेश्चन है या नहीं, आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो उसको आप सॉल्व करते रहिए जो कि मैथमेटिकल एबिलिटी या न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड है। अगर प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप ये वाला सेक्शन भी बहुत अच्छा कर जाएंगे। उसके बाद ये दो सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स एंड कोडिंग टेस्ट। ये जो आपका चौथा सेक्शन है इसमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग के लॉजिक से पूछा जाता है, और जनरली देखा गया है कि यहां पर सी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, सी लैंग्वेज के कुछ कोड दे देंगे, बोलेंगे इसका आउटपुट क्या है, इसमें एरर क्या है, और ऐसा क्वेश्चन आपको इंटरनेट में दुनिया भर के मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, और आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं यहां पर बता दूं कि सी लैंग्वेज के लिए ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं तो वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए सी लैंग्वेज का मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, अगर उसको आप कवर कर लेते हैं तो काफी हद तक आपका ये वाला पार्ट जो है कवर हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर साइंस के कंसेप्ट से पूछे जाते हैं, जैसे कि सपोज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट, डीबीएमएस के बेसिक कंसेप्ट, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बेसिक कंसेप्ट, पर बिल्कुल बेसिक, ऐसे नहीं कि बहुत एडवांस क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल बेसिक। ऑपरेटिंग सिस्टम से होगा तो लेटेस्ट कुछ अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके बारे में पूछ लिया जाएगा, मतलब बहुत ही बेसिक, जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग है, इस तरह के टॉपिक्स, डाटाबेस में नॉर्मलाइजेशन है, तो ऐसे बहुत ही बेसिक बेसिक टॉपिक से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होंगे, तो वो अगर आप क्लियर कर लेते हैं, मतलब उन सब कंसेप्ट को आप क्लियर कर लेते हैं, तो आप आराम से ये सेक्शन भी आपका बढ़िया हो जाएगा, ये सेक्शन भी आप अच्छा कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बुक्स पढ़ते रहिए, डीबीएमएस के बुक्स पढ़ते रहिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बुक पढ़ते रहिए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बुक पढ़ते रहिए, जो आपने बीटेक एमसीए में पढ़ा ही पढ़ा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कोडिंग टेस्ट, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कोडिंग टेस्ट, तो यहां पर आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। यहां पर आपको एक से दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, और आपको उनका प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो ज्यादातर देखा गया है कि आपको ऑप्शन दिया जाता है, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है और पाइथन है, इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज के ऑप्शन दिए जाते हैं, मतलब जो भी आपको प्रोग्राम लिखने के लिए बोला जा रहा है वो कोई जरूरी नहीं है कि आपको सी में ही लिखना है या फिर जावा ही में लिखना है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप सी में भी लिख सकते हैं, सी प्लस प्लस में भी लिख सकते हैं, जावा में भी लिख सकते हैं, पाइथन में भी लिख सकते हैं, और भी एक आध ऑप्शन दिया जा सकता है, पर देखा गया है कि ये चार तो कॉमन होते ही होते हैं, तो आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको स्ट्रॉन्ग करना है। इसलिए क्या होता है कि कभी कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाता है जो सी में बनाना काफी टफ है पर पाइथन में बहुत आसान होता है, ठीक है, या फिर जावा में बनाना टफ है पर पाइथन में आसान होता है। यहां पर यह देखा गया है कि जो भी प्रोग्राम्स आते हैं वो पाइथन में बनाना सबसे ज्यादा आसान होता है, तो यहां पर क्या होता है, जो स्टूडेंट पाइथन सीखा है वो बाजी मार जाता है, ठीक है, क्योंकि पाइथन के प्रोग्राम आराम से रन भी हो जाते हैं, एरर भी आने के चांसेस कम होते हैं, तो अगर आपने पाइथन बढ़िया से कर लिया है तो आराम से वो प्रोग्राम आप क्रैक कर देंगे, क्योंकि देखा गया है कई ऐसे प्रोग्राम आते हैं अगर वो सी में लिख रहे हैं तो वो प्रोग्राम आपका 20 से 25 लाइन में बनेगा, पर अगर आप पाइथन में लिख रहे हैं तो 5 से 6 लाइन में बन जाएगा, ठीक है, ये देखा गया है। तो इसलिए यहां पर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि इन तीनों में से एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट कीजिए और पाइथन जरूर आप पढ़िए, क्योंकि पाइथन पढ़ने से ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि आपको प्रोग्राम लिखना पड़ता है और उसके बाद आपको वहीं पर सबमिट करना पड़ता है, उन्हीं के एडिटर में प्रोग्राम लिखना पड़ता है, और आपका प्रोग्राम उनके हरेक टेस्ट केसेस को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, और वो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोग्राम कितने टेस्ट केसेस को सेटिस्फाई कर रहा है।
इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, अगर आपको कोडिंग टेस्ट का प्रैक्टिस करना है तो आप हैकर रैंक, ठीक है, आप हैकर रैंक कॉडसेफ जैसे वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसे एक वेबसाइट है कॉडसेफ, तो उस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, हैकर रैंक पे जा सकते हैं, तो वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने वहां पर अच्छा खासा प्रैक्टिस कर रखा है तो ये वाला जो कोडिंग टेस्ट है आपका क्लियर हो जाएगा। कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो ये चार सेक्शन तो काफी अच्छा करके आते हैं और वो कोडिंग टेस्ट में फंस जाते हैं और वो प्रोग्राम को रन कर नहीं पाते हैं। ये जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इस तरह के टेस्ट में। तो आपको कोडिंग टेस्ट पे भी ध्यान देना है, तो उसके लिए आप कोडसेफ, हैकर रैंक जैसे वेबसाइट पे प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए, इस तरह से आपने देखा कि अगर आप किसी आईटी या सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना चाहते हैं और उसके लिए जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं डिफरेंट कंपनी के थ्रू, तो आपको कैसे अपनी तैयारी रखनी है वो मैंने आज आपको बता दिया। तो इस तरह से आप इन टॉपिक्स का प्रिपरेशन पहले से करके रखेंगे तो डेफिनेटली है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू एंड गुड बाय।